सुहाना क्वीन भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर डांसर है, जो कि टॉप टॉप गाना पर डांस करके सभी लोग जानते हैं सुहाना क्वीन के बारे में। मगर पहले इसकी हालत कुछ और ही थी और अभी की हालत इसकी कुछ और ही है, क्योंकि पहले सुहाना क्वीन काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली और उतना दिखने में अच्छे भी नहीं लगती थी। मगर अभी इस वक्त 2020 में सुहाना क्वीन काफ़ी मोटा गई है और मोटे भी होकर काफ़ी सुंदर और कुछ हाइट भी बढ़ चुकी है, तो दिखने में काफ़ी अच्छे इस वक्त लगती है। तो यह सब कैसे हुआ, चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सही रूप से देखा जाए तो जितने भी भोजपुरी में पहले पहले से जो आई थी काफ़ी परिवर्तन किया, जैसे कि आप खेसारी लाल यादव के देख सकते हैं, शुरू शुरू में कितने दुबले पतले थे और दिखने में अच्छे भी नहीं लगते थे। निरहुआ को ही आप देखे होंगे कि निरहुआ भी कैसे दिखने में लगती थी, एकदम ख़राब दिखने में लगती थी खेसारी लाल और निरहुआ, और साथ साथ में पवन सिंह भी, और ऐसे हीरोइनी भी है जो कि काजल राघवानी को ही देख लीजिए, एकदम बच्ची लगती थी देखने में, उतनी अच्छी भी नहीं थी। और भी ऐसे अम्रपाली को भी आप देखे होंगे कि इससे पहले इंडस्ट्री में जब नहीं आई थी तो वो भी दिखने में अच्छे नहीं लगती थी। और भी ऐसे हीरोइन है, जैसे अक्षरा सिंह के बारे में ही बात किया जाए तो अक्षरा सिंह भी शुरू शुरू में जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो काफ़ी छोटी और दुबली पतली थी, इतने सुंदर और इतने हाइट भी नहीं थी। मगर जब इंडस्ट्री में आने के बाद सारा टेंशन दूर करके, जब पूरे मेहनत और स्ट्रगल के बाद अभी इस वक्त इतने कामयाबी पाए हैं अक्षरा सिंह, और उसके साथ साथ और भी ऐसे हीरोइनी है जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति से निकल के अच्छे स्थिति में अभी आ चुकी है। इसी तरह से सुहाना क्वीन को भी हालत कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ है। स्टेज शो में भी जब जाती थी सुहाना क्वीन तो स्टेज शो में भी देखे होंगे कि कितने दुबले पतले दिखती थी, साथ साथ में पवन सिंह के साथ जो एक स्टेज शो किया था उस वक्त आज से 2 साल पहले काफ़ी पतली थी। बस इतना ही नहीं, और भी ऐसे हालत उसकी बहुत ही ख़राब थी, मगर अभी काफ़ी सुंदर हो चुका है और काफ़ी दिखने में आने की जवान भी अब हो चुकी है। और इसके साथ साथ अब पूरे फर्स्ट बार कोई भी काम शुरुआती करता है तो मेहनत करना ही पड़ता है और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है जब काम को शुरुआती दौर में। इसी तरह सुहाना क्वीन के साथ भी यही हुआ, पहले जब वो आई थी इस कामयाबी में डांसर में तो बहुत ही सारा उसकी समस्या झेलना पड़ा, और उस समस्या के झेलते हुए खाना भी टाइम पर नहीं मिलती थी, काम ज़्यादा करना पड़ता था डांस को भी, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा दुबली पतली थी। मगर अभी की हालत कुछ और हो चुकी है, अभी काफ़ी नाम पहचान पैसे और सब कुछ की सुविधा भी मिल चुकी है, जहाँ भी जाती है वहाँ पर पूरे लोग पहचानने लगा था, वहाँ पर इसको अब मान सम्मान भी बहुत ही ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि सिंगर स्टार सुपर स्टार सबके साथ रहती है और डांस करती है तो इतने नाम पैसे और सब कुछ अब हासिल कर चुकी है, और पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलती है और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है सुहाना क्वीन की, तभी तो क्वीन बन चुकी है यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का। फिल्म भले ही नहीं निकालती है मगर जितने भी छोटे छोटे सिंगर से लेकर बड़े बड़े सिंगर सब है सभी के साथ काम करते हैं, और घमंडी और दूसरा है, मगर ये घमंडी नहीं है, एकदम अच्छी है। साथ साथ में सभी छोटे बड़े एक्टर के साथ काम करती है और गाना निकालते हैं, आप देखे ही होंगे कि सबसे ज़्यादा महीने में बहुत ही ज़्यादा 30-40 वीडियो बनाकर यानी कि डांस करती है इतने गाना पर। सुहाना क्वीन पहले जब डांस करती थी तो लगता है कि कोई हिल रहा है, कहीं दब के गिर जाएगा, इतने दुबली पतली थी, मगर अभी बहुत ही अच्छे हो चुके हैं और दिखने में भी लगने लगे हैं। तो भाई लोग, सुहाना क्वीन के बारे में आपको क्या राय है और अभी दिखने में कैसे लगती है, ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी कोई जानकारी लेना है यार देना है तो कमेंट में जाके कमेंट कर सकता है। बस, धन्यवाद।